अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको वेलकम करता हूँ आज के ब्लॉग में। यार मैं सुबह उठा, मैंने कहा चलो नाश्ता ले आता हूँ, लेकिन बाहर गर्मी बहुत थी, तो फिर मैं गर्मी बहुत थी मैं घर वापस चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद लाइट चली गई, फिर जब मैं वापस आया चाचू की दुकान पर, तो उधर ज़रा पंखा चला था, उन्होंने सोलर लगवाया हुआ है, तो मैं फिर आते दुकान पर लग गई, उन्होंने जानवर कुर्बानी के लिए लिए हुए हम लोगों ने। फिर मैंने सोचा चलो दुकान पे थोड़ी देर बैठा गया, पंखे के नीचे सोलर भी रहता है, जब मैं आया तो अभी पंखा चला नहीं हुआ था, वो उनकी भी बैटरी ख़राब हुई है, तो सोलर तो 10 मिनट बाद चलता है, तो अब ये देखो पंखा चल गया। तो मैंने सोचा चले बैठ के टिकटॉक की तरह, जब मैं टिकटॉक चलाने लगा तो थोड़ी देर मैंने टिकटॉक चलाई तो मुझे पता लग गया लाइट आ गई है, तो फिर मैं वापस घर आ गया। घर आ गया मैं पंखे के नीचे बैठ गया, तो फिर अजान हो गई, मैंने कहा चलो नमाज ही पढ़ आते जाते, फिर मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था तो रास्ते में कब्रिस्तान आ गया, ये देखो कब्रिस्तान आ गया, तो मैंने इनके लिए दुआएं मगफिरत की, फिर मैं मस्जिद में चला गया नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये हमारी माशरम मोहल्ले की मस्जिद है, ये वजू करना जहाँ ये देखो इस्लामी भाई वजू कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो ये जामियतुल मदीना, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, फिर ये मस्जिद के अंदर में आ गया, मैंने कहा चलो अभी नमाज़ पढ़ ली जाए, तो मैं नमाज़ पढ़ने लगा था, तो जब मैं गया था तब जमात खड़ी हो गई थी, तो मैं नमाज़ पढ़ के वापस आ गया था, वापस घर जा गया था, तो फिर मैंने इनके लिए एक दुआ फिर दुआई मगफिरत की, मैंने कहा चलो इनके लिए फातिहा पढ़ लेते हैं। अब घर आ गया था, तो ये सामने वाला घर हमारा है, ये जो बड़ी बिल्डिंग और छोटी बिल्डिंग, नीचे हम खुद रहते, ऊपर हमने किराए पर दिया हुआ, फिर मैं घर आ गया। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, अगर अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।